आज सरिता किचन में काला रसगुल्ला बन रहा है, ऐसे काला जामुन भी बोल सकते हैं। दोस्तों, काला रसगुल्ला कैसे बनाया जाता है घर में बना हुआ खोवा से, आप मेरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चलिए हम बनाना शुरू कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, सरिता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम काला जामुन या ऐसे ब्लैक रसगुल्ला भी बोलते हैं, आज हम घर में बनाएंगे। दोस्तों, बाज़ार का तो मिठाई बहुत बार खाए होंगे, लेकिन बाज़ार का मिठाई से बहुत अधिक टेस्टी बनेगा घर का मिठाई, और बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही कम मेहनत में सिर्फ इस दूध को खोआ बनाना है। चलिए दोस्तों, हम इसे खोआ बनाते हैं। 2 किलो दूध है। दूध को हम देखिए कढ़ाही लिए हैं दोस्तों, कढ़ाई में थोड़ा सा हम पानी डाल दिए हैं। पानी डालने से दोस्तों क्या होगा, इसमें दूध नीचे चटेगा नहीं। देखिए दोस्तों, गैस को ऑन कर दिए हैं और हम कढ़ाई में दूध को डाल देंगे। इसे हम एक उबाल आने तक हम पकाएंगे और गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे। देखिए दोस्तों, दूध में उबाल आ गया है। अब हम गैस के फ्लेम को लो मीडियम कर देंगे। अब हम गैस के फ्लेम को लो मीडियम कर देंगे और इसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे दोस्तों, इस तरह से। अरे, जो किनारे में लगेगा उससे भी जितना हो सके उसे छुड़ाते जाएंगे, और नीचे सटे नहीं इसका भी हमको ध्यान देना होगा। और इस तरह से हमें बीच बीच में चला देना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप काम करते हुए खोआ बनाना चाहते हैं, तो गैस के फ्लेम को एकदम लो कर दीजिए और बीच बीच में चला दीजिए। दोस्तों, आज एक साथ हम दो काम बता रहे हैं, खोआ बनाना भी बता रहे हैं दोस्तों, और खोआ से काला जामुन या काला रसगुल्ला कैसे बनता है वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए, इस तरह से हम लो मीडियम फ्लेम पर दूध को हम उबलने देंगे और इसे हम इस तरह से बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। देखिए दोस्तों, दूध गाढ़ा हो रहा है। देखिए, 2 किलो दूध 1 किलो से भी कम हो गया, देखिए गाढ़ा भी हो गया है। इसे अब हम दोस्तों गैस का फ्लेम को लो कर देंगे, क्योंकि लो नहीं करेंगे तो अब नीचे सटेगा और जल जाएगा नीचे, इसलिए लो कर देंगे और बीच बीच में ऐसे चलाएंगे। दोस्तों, आप बाजार का तो काला मिठाई या काला रसगुल्ला खाए होंगे, लेकिन एक बार दोस्तों मेहनत लगेगा, लेकिन दोस्तों एक बार दोस्तों घर में बनाकर खाइए, आप बाजार का रसगुल्ला लाना छोड़ दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसे हम लो फ्लेम पर धीरे धीरे हम पकने देते हैं। इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये पूरी तरह से गाढ़ा ना हो जाए। हम देखिए दोस्तों, देखिए अभी ये राबड़ी बन गया है। अगर आप इसको राबड़ी के रूप में खाना चाहते हैं तो इस तरह से इसमें चीनी डाल के इसको आप खा सकते हैं। और इसी से हम पेड़ा भी बनाएंगे दोस्तों, इसके लिए थोड़ा हमको और सुखाना होगा, लेकिन आज हम काला मिठाई बनाते हैं, काला जामुन या काला रसगुल्ला हो गया, जो हम बनाने जा रहे हैं, इसके लिए इसे हम और सुखाएंगे। देखिए दोस्तों, खोवा बनके तैयार है। इसमें देखिए 3 इलायची को हम कूट कर डाल रहे हैं। अगर आपके पास पाउडर है तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए और हम सुखा ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, 1 मिनट हो गया, इलायची अच्छी तरह से खोआ में मिक्स हो गया है। देखिए गाढ़ा भी हो गया है दोस्तों, इस ठंडा होने के बाद और भी टाइट हो जाएगा। इसका आप इस अवस्था में दोस्तों आप इससे पेड़ा बना सकते हैं। इसमें पिसा हुआ चीनी डालिए ठंडा होने पर, और इससे पेड़ा भी बन जाएगा। तो हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम आपको काला जामुन या काला रसगुल्ला हम आपको बनाकर दिखाएंगे दोस्तों कि कैसे बनता है। देखिए दोस्तों, खोआ ठंडा हो गया है। इसे हम
एक थाली में हम निकाल लिए हैं। हम पहले इसका चाशनी बनाएंगे। देखिए एक बड़ा बर्तन लिए हैं, इसमें हम देखिए दोस्तों 200 ग्राम हम चीनी डाल रहे हैं। चीनी आप कम ज़्यादा अपने अनुसार से कर सकते हैं, कितना गाढ़ा पतला रखना चाहते हैं। इसे कोई तार नहीं बनाना है, इसका सिर्फ चाशनी बनाना है। ऐसा चाशनी बनाना है कि ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला, ताकि रसगुल्ला रस को ऑब्जर्व कर सके। देखिए दोस्तों, जब तक चीनी का चाशनी बन रहा है तब तक हम खोआ को अच्छी तरह से मसल लेंगे। देखिए दोस्तों, आज हम ना तो मैदा डालेंगे ना सूजी डालेंगे। देखिए ये क्या है। देखिए आज हम आटा से हम काला रसगुल्ला बनाएंगे या काला जामुन। देखिए 2 बड़ा चम्मच हम आटा डाले हैं। ज़्यादा आटा भी डाल देंगे दोस्तों तो रसगुल्ला कड़ा हो जाएगा। इसमें देखिए 1/4 चम्मच खाने वाला सोडा डाल रहे हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसको हथेली की सहायता से इस तरह से मसल कर हम चिकना कर लेंगे। इसको हम इतना चिकना करेंगे कि बॉल बनाने में इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, चाशनी देखिए तैयार हो गया है। देखिए गढ़ा भी हो गया है, ज़्यादा गढ़ा नहीं करना है, सिर्फ इसको इस तरह से चिपचिपा होना है। इसमें देखिए 2 इलायची को हम कूट कर डाल दे रहे हैं छिलका सहित। देखिए दोस्तों, खोआ को अच्छी तरह से हम मसल लिए हैं। इसे हाथों की सहायता से इस तरह से दवा दवा कर हम इसको गोल कर लेंगे। इस तरह से हम हम सारे बॉल्स को हम बना लेंगे। तो चलिए हम सारे को हम बना ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, चाशनी बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हम ढक्कन ढक कर रख रहे हैं क्योंकि चाशनी ठंडा नहीं होना चाहिए। देखिए एक कढ़ाई में हम रिफाइंड तेल डाल दिए हैं, तेल गर्म हो गया है। देखिए सारा रसगुल्ला का हम बॉल्स को हम बना लिए हैं, तेल गर्म है। देखिए दोस्तों, इसमें हम रसगुल्ला को दोनों तरफ से हम गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। देखिए एक पीस को हम डालकर चेक कर रहे हैं कि फट रहा है कि नहीं। हम सारे बॉल को फ्राई कर लेंगे, फिर जितना तेल है उसके अनुसार ही इसमें हम रसगुल्ला का बॉल को हम डालेंगे। तो गैस के फ्लेम को हम लो मीडियम रखेंगे। देखिए दोस्तों, एक तरफ से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गया। इसे हम धीरे धीरे हल्के हाथों से इसे हम पलट लेंगे। देखिए दोस्तों, काला जामुन देखिए दोनों तरफ से काला रसगुल्ला दोनों तरफ से देखिए गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गया है। ऐसे हम देखिए चाशनी में डाल देंगे। इसे चम्मच की सहायता से हिला देंगे। इसे भी हम निकाल लेंगे। इसी तरह से दोस्तों सारे बॉल को हम फ्राई कर लेंगे। इसे अभी हम हिलाएंगे नहीं, सिर्फ इसके ऊपर तेल को करेंगे। हिलाने से नीचे टूट जाएगा दोस्तों। इस तरह से हिलाकर ऊपर की तरफ इसका तेल को डालेंगे। ऐसे भी हम दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। देखिए दोस्तों, दूसरा बैच भी रसगुल्ला फ्राई हो गया है। इसे भी हम निकाल लेंगे। इसे हम दोस्तों इसे चाशनी में डाल देंगे। देखिए दोस्तों, काला रसगुल्ला बनकर तैयार हो गया है। सारे को हम रस में डुबो दिए हैं। इसे हम ठंडा होने देंगे दोस्तों। देखिए कितना सॉफ्ट बना है दोस्तों, एकदम बहुत ही सॉफ्ट बना है। देखिए दोस्तों, रसगुल्ला को हम सर्विंग बॉल में सर्व कर दिए हैं। दोस्तों आप भी मेरे बताए हुए तरीके से
काला रसगुल्ला घर में बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरा बताया हुआ रेसिपी अच्छा लगेगा तो दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों हम फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर दोस्तों।